हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 35 में रीजनिंग के 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। देखिए, इसमें हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यदि हम इसकी नंबरिंग डालें तो ये 17 पर आता है, ये 15, ये 12 और ये 8। यदि हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें कितना है -2, इसमें कितना है -3 और इसमें कितना है -4, तो इसके बाद कितना होगा -5। यदि हम 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, और 3 पर क्या आता है सी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। पहिए जिस प्रकार तिल्ली से संबंधित है उसी प्रकार पंखा किससे होगा, हवा से, मोटर, चक्कर या पंख से। तो राइट आंसर हो जाएगा पंख, क्योंकि पहिए में तिल्ली लगी रहती है, उसी प्रकार पंखे में भी क्या होता है, पंख लगे होते हैं, 3, 4 या 5 होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, एक कोड में यदि ग्रीन को ITGGP लिखा जाता है तो उसी कोड में पिंक को कैसे लिखा जाएगा। यदि हम इसकी नंबरिंग डालेंगे तो ये 7 पर, ये 18 पर, ये 5 पर, ये 5 और ये 14 पर, तो इससे कितना हुआ है, ये 9 हुआ है, ये 20, ये 7, ये 7 और ये 16। इसका मतलब ये स्पष्ट अंतर दिखाई दे रहा है, इसमें +2 का डिफरेंस चल रहा है। उसी प्रकार इसमें भी हम 2 कर करेंगे, यदि 16, ये 9, ये 14 और ये 11, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 पर आ जाएगा R, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 पर आता है K, तो इस प्रकार से K हो जाएगा, और 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 पर आता है P, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 13 पर आएगा M, RKPM ऑप्शन चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और दी गई जानकारी से यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष वक्ता का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। देखिए, वक्तव्य क्या है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, तो ये तो राइट हो जाएगा। हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो ये भी राइट हो जाएगा, अतीत को भूलकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि माइनस को भाग कहा जाए और भाग को गुणा प्लस कहा जाए और गुणा को माइनस और प्लस को गुणा, तो उसी प्रकार इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए 35 है, ये हम 35 लिखेंगे, इसके बाद माइनस है, तो माइनस को क्या बोला है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे, गुणा को क्या बोला है माइनस, तो माइनस का निशान लगाएंगे, और डिवाइड को क्या बोला है प्लस, तो प्लस का निशान लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से इसको काटेंगे, 7 पन्ना 35 -14 प्लस ये 28 हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 28 14 और ये 5 प्लस है, 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 19, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित को पूरा करें। देखिए, यदि हम इसकी नंबरिंग डालेंगे तो ये 24 पर आता है और ये 9 पर, ये 7 और ये 16, तो इसमें यदि हम माइनस करें तो इसमें कितना माइनस किया है 7, और इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये 2, बाकी जो लास्ट के 2 हैं उनको ज्यों के त्यों लिख दिया है, तो ठीक है, यही लॉजिक यदि हम इसमें लगाएंगे 26, 8 और ये EJ, तो EJ को ज्यों के त्यों रहने, इसमें से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 19, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 7 घटाएंगे और 5 पर आता है और ये 10 पर, 191,510, 191,510 ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कथन निष्कर्ष से संबंधित है। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, निष्कर्ष क्या है, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। शराब का सेवन लेना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक है, शराब का सेवन करने वाले और ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, तो इसमें ना तो पहला निकलेगा ना ही दूसरा निकलेगा, क्योंकि चेतावनी की आवश्यकता होती है और ये जो सेवन नहीं करता वो स्वस्थ नहीं रहता, ये ऐसा कोई नहीं होता है, तो इसलिए ना तो पहला ना तो दूसरा निष्कर्ष निकलेगा, ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें से एक चित्र अलग होगा, तो इसमें देखें यदि हम, तो इसमें ये दोनों लाइन बराबर हैं और ये दोनों भी हैं, ये दोनों भी हैं, लेकिन ये इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये अलग हो जाएगा तीसरा, क्योंकि इसमें दोनों लाइनों में बहुत ज़्यादा अंतर है और ये टेढ़ी भी है। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिए गए प्रश्न पर विचार करें, एक झुंड में कितनी गाय हैं ये हमें वक्तव्य से बताना है। कुल गायें कितनी हैं? 60 हैं, उनमें से 40% काली हैं, तो इसका हम 60 का 40% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? ये 24, मतलब 24 गाय काली हैं, तो दोनों की ज़रूरत है। इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन निकल जाएगा? दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अकेले में कुल गाय का पता चलेगा 60, और उसमें से हमें बताना काली है। इस प्रकार से दोनों नौ एक साथ ज़रूरत होगी, तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, तो पश्चिम में 3 किलोमीटर चले जाएगा। इसके बाद फिर वह उत्तर में जाता है, तो उत्तर में 4 किलोमीटर जाएगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा। इसके बाद एक्स की यात्रा और अंतिम बिंदु से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, तो इसमें पाइथागोरस लग जाता है, तो क्या होता है पाइथागोरस? कर्ण का वर्ग, इन दोनों का वर्ग 4 चौके 16 और 3 3 का 9, 16 और 9 25, इस पर वर्ग है। इस प्रकार से यह कितना निकलेगा? 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये इसका वर्ग होता है, ये इसका वर्ग होता है, ये यहाँ पर है, तो ये 25 पे होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये 25 पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट, तो अंडर रूट 25 का मान कितना होता है? 5। इस प्रकार से 5 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए अगली संख्या कौन सी होगी? तो यदि हम इसमें डिफरेंस देखें तो कितने का है? +1 का। इसमें यदि देखें हम, तो ये 1 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसके बाद कितना होगा? 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए, इसमें से बनने वाले समूह को चुनें। देखिए सबसे पहले यदि हम देखें तो ट्रायंगल के ऊपर वर्ग है, तो इसका मतलब ऊपर वाली देखें यदि, तो एक तो ये है ऊपर, एक ये भी ऊपर है, और एक ये हो जाएगा, मतलब पहला निकल आएगा कौन सा? 1 3 5। इसके बाद में यदि हम देखें तो देखिए ये दोनों पर वृत्त है, ये दोनों पर वर्ग है, इसके बाद ये हो जाएगा, मतलब 2 4 और 6 सॉरी 9, 2 4 9, लास्ट में क्या बचेगा? अंदर वाला बचेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये दूसरा, तो दूसरा निकल चुका है, तो ये कौन सा हो? छठवा है, 7 और 8 है, ऑप्शन नंबर चौथा में दिख रहा है इस प्रकार से, तो ऑप्शन चौथा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, 71 73 77 और 79। देखिए ये सभी क्या हैं, यदि हम इनको देखेंगे तो ये 77 को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी से नहीं कटेंगी, तो इस प्रकार से 77 अलग हो जाएगा, ऑप्शन पहला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, दिए गए बैन आरेख में वह कौन स्थान है जो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो भी सभी 3 खेल खेलते हैं? देखिए 3 खेल खेलते हैं, देखिए तो कबड्डी में है और फुटबॉल, कबड्डी और फुटबॉल हैं, और वो क्या करते हैं? उनका जो भी सभी 3 खेल खेलते हैं, सभी 3 खेल खेलते हैं, तो देखिए एक तो हो जाएगा एस और एक हो जाएगा क्यू, एस और क्यू हो जाएगा, एस भी खेलता है 3ों खेल और ये क्यू भी, क्यू खेलता है कबड्डी और फुटबॉल, तो इस प्रकार से क्यू और प्लस एस, एक तो क्यों हो जाएगा कबड्डी फुटबॉल में, और उनका जो भी सभी 3 खेल खेलता है, जो जो भी मतलब सेकंड वाला आदमी, जो सेकंड कौन है, तो ये हो जाएगा एस, तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्रम में दी गई आकृति में से भिन्न का चयन करें, देखिए इसमें हमें बताना है 13 पर M आता है तो 13 लिखा है, 23 पर W आता है 23 लिखा है, J 10 पर आता है लेकिन ये 5 पर आता है E, तो इस प्रकार से तीसरा अलग हो जाएगा, 5 होना था 20 की जगह पर।
क्वेश्चन नंबर वाला देखिए 16। एक कूट भाषा में ए को बी लिखते हैं, बी को सी और सी को डी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए एक आगे किया है, ए के बाद बी आता है, तो इसी प्रकार टी के बाद क्या आता है, सॉरी एस के बाद टी, एम के बाद एन, ए के बाद बी, आर के बाद एस और टी के बाद यू, टी एन बी एस यू, टी एन बी एस यू ऑप्शन तीसरा है, तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि 5 स्वरों में से प्रत्येक को प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं से अंकमान किया जाए तो सभी स्वरों का कुल मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इनको हमें अभाज्य संख्याओं में करना है, तो ए पहली अभाज्य होगी 2, इसके बाद 3, फिर 5 और इसके बाद में 7, 7 के बाद में 11, तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित 5 शब्दों का विचार करें और निर्णय कीजिए कि अनुक्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है इन ऊपर के 4 में क्या है, पी है, लेकिन नीचे में क्या है, एन है, तो एन पहले आता है, इसके बाद में पी के बाद में ओ है, बाकी तीनों में आर है, तो ओ पहले आता है, तो इस प्रकार से चौथा आ जाएगा। इसके बाद इन तीनों में देखें तो आर के बाद ई, ई है पहले में, तो इसको ही मिला लेंगे, 5 बार 4 और पहला, 5 बार 4 और पहला ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। देखिए यदि हम 17 मार्च 31 का होता है तो इसके यदि हम शेष दिन निकालें तो कितने बचेंगे, ये 14 दिन, इसके बाद में मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के 30 होते हैं, मई, मई के 31, फिर मई के बाद में जून, जून के 30 और जुलाई के 12, इन सभी को जोड़ेंगे यदि हम 4, 5 और 2, 7, 7 हो जाएगा, 1, 3, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10 और 1, 11, 117, इसमें हम 7 से भाग देते हैं तो 7, 1, 7 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, 7, 6, 42 हो जाएगा, तो ये 42, 47 में से घटाएंगे, 5 दिन शेष बचेगा, तो 5 दिन हम सोमवार में जोड़ देंगे, तो 5 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और ये शनि, कौन सा दिन होगा, 5वें दिन शनिवार, तो ऑप्शन नंबर डी है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 12 जुलाई को शनिवार होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि हाइट को ये लिखा जाता है तो वाइट को क्या लिखा जाएगा, यदि हम इसकी नंबरिंग डालें तो ये 8 गुणा करें 9, 4 और ये 5, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20, 180 हो जाएगा, और 8 का करेंगे तो कितना होगा, ये 140, इस प्रकार से यदि हम इसको करेंगे तो 23 का गुणा 9 में करेंगे इंटू में 4 गुणा में 5, तो ये 20 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा, 180 इसमें गुणा करें यदि हम तो ये 0, 18 3 54 हासिल में आ जाएगी, 5, 18 2 36, 36 और 5 41, 40 हो जाएगा, ये 41, 40 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, इनकी नंबरिंग डालकर हमें गुणा करना था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।